वहीं शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर जालौन से है, जहां पर कानपुर झांसी हाईवे पर हर रोज दुर्घटनाएं होती रहती हैं। गौशालाएं बनने के बाद बिगाड़ सड़कों पर घूमती नजर आती हैं, जिनका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगातार सड़क दुर्घटनाओं में गायों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं एक बार फिर एक तेज रफ्तार ट्रक ने गाय को टक्कर मार दी और इस दौरान गाय की मौत हो गई है। वही खबर सीतापुर के माहौली ब्लॉक से है, जहां पर गौशालाओं की स्थिति काफी खराब है। सरकार एक तरफ जहां लाखों रुपए गौशालाओं को अच्छा बनाने में लगी है, तो वही दूसरी ओर इन गौशालाओं में ना साफ सफाई है और ना ही गायों के सही देखरेख की जा रही है। वही खबर कर्नाटक के पालघर से है, जहां पर एक आलिशान बिल्डिंग में वॉचमैन की परमिशन से गाड़ी खड़ी करके एक व्यापारी कुछ खरीदारी करने मार्केट गया और वहां ये टपरी पर कपड़ा बेचने वाले व्यक्ति सिद्दीकी ने खुद को पत्रकार होने की बात कहकर डराने लगा। साथ ही 25 लोगों को इकट्ठा करके दादागिरी करने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि व्यक्ति ने जब मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे तो ये दादागिरी की भाषा छोड़कर सलाम करने लगा। जैसे ही कैमरा बंद हुआ वैसे ही गाड़ी को तोड़ने की बात करने लगा। वही सोसाइटी के ऑफिस तक ये व्यक्ति जबरदस्ती लेकर पहुंचा और इसके बाद वहां के लोगों ने समझौता कराया। चाहते मैं तो एकदम अच्छी तरह से बात कर रहा हूं। केशव भूमि के पत्रकार जी हैं संजय सिंह, जो इसके संपादक हैं, तो इनके पत्रकार जी हैं, मुझे पत्रकारिता सिखाना चाहते हैं। तो मैं तो देखिए छोटा मोटा व्यक्ति हूँ, ये तो दुकान के या बिल्डिंग के मालिक है। सर बताइए सर, आप क्या कहना चाहते हैं किस चीज पे? केशव भूमि के पत्रकार के बारे में आप क्या सजेशन देना चाहते हैं किस चीज पे? आप केशव भूमि के पत्रकार है ना? पार्किंग लगाया वही बोले कि हटा लीजिए बस। अब सही आप भी तो सही बात बोले ना। पहले तो आप केशव भूमि के पत्रकार बनते, देखिए केशव भूमि के पत्रकार बनते हैं, ऐसे आपको बहुत सारे पत्रकार मिलेंगे, ऐसे लोकल पत्रकार। मैंने अभी संजय सिंह को भी फोन लगाया था, ये देखिए केशव भूमि के नाम पर ये आदमी किस तरह से दादागिरी कर रहा है। जो नेशनल चैनल का पत्रकार है उसके साथ इन्होंने दादागिरी किया है। तो आप देखिए कि जो लोग ऐसे लोगों को पत्रकार नियुक्त करते हैं उनसे दूरी बना करके रखे, नहीं तो फिर उस मीडिया का भी नाम बदनाम। एक खबर हापुड़ से है, जहां पर मायके में रह रही पत्नी को ससुराल पहुंचकर पति ने जान से मारने के इरादे से गर्दन पर हमला कर दिया। समय रहते पहुंची पुलिस की वजह से महिला की जान बच गई। वहीं पुलिस को अंधेरे अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी पति मौके से फरार हो गया। थाना प्रभारी के नेतृत्व में SI घाल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराने पहुंचे। वही खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर जिला जेल में बंद महिला कैदी पहली बार जेल में रहकर ही करवा चौथ का व्रत रखी। और इतना ही नहीं, चांद के दर्शन करने के लिए जेल प्रशासन ने वहां पर खास इंतजाम किए हुए थे। बता दें कि पूजन के लिए जेल प्रशासन ने जेल में बंद महिलाओं को श्रृंगार सामान वितरित किया। वही करवा चौथ के व्रत से पहले जेल में सामाजिक संगठन से जुड़ी महिलाओं ने कैदी महिलाओं के साथ डांडिया भी खेली। महिलाओं के महत्वपूर्ण पर्व करवा चौथ की पूर्व संध्या पर कारागार में स्वयंसेवी संगठन के सहयोग से एक कार्यक्रम आयोजित कर महिला बंदियों को करवा चौथ का व्रत परंपरागत ढंग से मनवाने के लिए उन्हें करवा चौथ से संबंधित सामग्री तथा उन्हें सजने संवरने के लिए आवश्यक कॉस्मेटिक सामग्री उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर महिला बंदियों को तिलक किया गया और सभी महिला बंदियों ने डांडिया नृत्य किया और खूब एंजॉय किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिल्पी चौहान और कैंटोनमेंट बोर्ड शाहजहांपुर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती जिज्ञासा राज ने सभी महिला बंदियों को सामग्री भेंट की और उनके साथ खूब मनोरंजन किया। वही खबर सोनभद्र से है, जहां पर शक्तिनगर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने 3 बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति को टक्कर लगने से घटनास्थल पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने वाहन और शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या मामला है, ये गाड़ी आपकी है? ये हमारी है। क्या हुआ? ये गाड़ी वहां से देख रहे हम के मेरी गाड़ी है, फिर हम कूद गए नीचे, आगे गाड़ी मार के चल दिया आगे। आपको चोट वगैरह तो नहीं आई? नहीं, नहीं लगा।
कहाँ से आ रहे थे? कहीं और से कोरियर वाले से आ रहे हैं। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया है। उसके बाद उन्होंने भनवापुर ब्लॉक परिसर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री बांटी। और इस मौके पर सांसद जगदम्बिका पाल, पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह और विधायक श्याम धनी राही आदि लोग मौजूद रहे। सीएम योगी ने फसलों के नुकसान के मुआवजे के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया है। पांच किलो चारा की व्यवस्था हो जाए, इसके लिए भी पशुपालन विभाग को निर्देशित किया गया है। और यह भी व्यवस्था की गई है राहत कार्य के लिए कि अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए किसी भी व्यक्ति को या परिवार को अन्य सहायता देने के साथ साथ अगर दुर्भाग्य से किसी की मौत बाढ़ के कारण या किसी आपदा के कारण होती है तो उस परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता, आर्थिक सहायता अनुभंग होने पर उस परिवार को सहायता देने की व्यवस्था जो लगभग अब 60,000 से लेकर के 2.5 लाख तक की है, इसे भी हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वही खबर मथुरा से है, जहां पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी और दिनेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया है। अखिल भारत हिंदू महासभा का ये कहना है कि इस एक्ट की वजह से वाराणसी और मथुरा के मुकदमे में दिक्कतें आ रही हैं और अन्य हजारों मंदिरों में भी ये समस्या न आए, इसलिए इस एक्ट को समाप्त करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। कल अखिल भारत हिंदू महासभा ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट को समाप्त करने के पीआईएल दाखिल की है। उसमें दिनेश शर्मा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और अनिल त्रिपाठी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने उसमें पीआईएल दाखिल की है। उसमें हमने मांग की है कि इस 1991 वर्शिप एक्ट को समाप्त किया जाए, क्योंकि इस वर्शिप एक्ट के कारण हमारे हिंदुओं के लगभग 3,000 मठ मंदिर सुरक्षित नहीं है। हमारे हिंदू मंदिरों की हम जहाँ भी कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो ये वर्शिप एक्ट कानूनी अड़चन बना हुआ है। ये कांग्रेस सरकार का षड्यंत्र था, उन्होंने ऐसा एक्ट बना दिया जिससे हमारे जो उन्होंने विदेशी आक्रांताओं ने हमारे हिंदुओं पर जो कब्जा किया था उस कब्जे को नहीं हटवा पा रहे हैं। कल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। फील द पावर ऑफ इंजन। Back on lubricant.